सो व्हाट्स अप गाइस, कैसे मैं आप देख रहे हो दिया शिपहस ब्रांड न्यू वीडियो में। और आज हम खेल रहे हैं बेन 10 पावर ट्रिप। उम्मीद करता हूँ आपको कल की वीडियो पसंद आई होगी। थोड़ी सी उसमें ज़्यादा मेहनत लगी थी, लगी क्वालिटी थोड़ी सी इधर उधर हो गई लाइटिंग की वजह से, मैं जानता हूँ, पर मेहनत बहुत लगी। 3-4 घंटे मेरे लग गए थे कल, बहुत टाइम लगा, एडिटिंग भी 1 घंटा लगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया, लाइक करना। और उसमें मैंने पूरा डिटेल में समझाया था कि कैसे प्ले करना है बेन 10 पावर ट्रिप को अपने एंड्रॉइड डिवाइस में, फ्री भी और पेड भी दोनों तरीके बताए थे। नहीं देखी वीडियो देख लेना जाकर, बाकी मैं कुछ नहीं कहूँगा। बाकी हम अपने सीरीज कंटिन्यू करते हैं, जैसे मैंने पिछला गेम छोड़ा था, ज़्यादा टाइम पास करेंगे नहीं, अपना रैथ अनलॉक हो चुका था पिछले पार्ट में, तो स्टार्ट करते हैं, चलो शुरू करते हैं। ओके, तो फिलहाल चलते हैं इसके पास। एक्चुअली मैंने ये पार्ट दोबारा खेलना पड़ गया सारा हीट ब्लास्ट, मतलब मैं जब गेम आपने कल देखा था, जो मैंने वीडियो बनाई थी इसकी डाउनलोडिंग वाली, उसमें मैंने आपको दिखाया भी था गेम प्ले कंटिन्यू करके, तो हीट ब्लास्ट खड़ा हुआ दिखा था, रैथ अनलॉक ही नहीं था। तो मैं जब दोबारा देखा तो रैथ अनलॉक ही नहीं था, तो मुझे सारा पार्ट जो पिछला मैंने खेला था ना, पिछला वाला पार्ट दोबारा खेलना पड़ेगा सारा। पता नहीं क्यों ऑटो सेव नहीं हुआ था पिछला वाला पार्ट, शायद इसलिए कि मैंने मिशन कंप्लीट नहीं किया था फुल। तब से मैं ध्यान रखूँगा इसमें पूरा मिशन कंप्लीट करना है मुझे, ऐसा नहीं है कि आधा छोड़ दिया, आधा नहीं छोड़ना है। आधा अगर मिशन छोड़ूंगा तो ये ऑटो सेव नहीं करेगा और फिर शुरू से खेलना पड़ेगा मिशन मुझे। तो अगर कोई मिशन करूँगा तो पूरा खेलूँगा आपसे, ये है बात। तो चलो फिलहाल चलते हैं। अब मैंने यहाँ से दोबारा से खेल लिया था दोबारा, तो फिलहाल खेल लिया अभी तक, अब मैं वापस वहीं आ गया हूँ। और फिलहाल इस मशीन के पार्ट्स ढूंढने में क्या हुआ ये। ओके, अच्छा यहीं है ये, ठीक है। ओके, वो यहाँ बन जा गए, मारो, निकलो। वैसे ये गेम यहाँ तक कम्प्लीट होने वाला है मुझे तो फील आ रही है, क्योंकि गेम ज़्यादा बड़ा था नहीं। मैंने इसके गेम प्ले देखा, 5 घंटे के आसपास का गेम है ये, और लगभग मैं 3 घंटे के आसपास खेल चुका हूँ, मुझे ऐसा लगता है मैं 3 घंटे खेल चुका हूँ। तो ज़्यादा गेम बचा नहीं है ये, थोड़ा सा बचा है और जल्दी ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि एलियंस मेरे 3 तो खुल ही चुके हैं, थोड़े बहुत एलियंस और रह गए हैं वो खोलने पड़े। यहाँ दोबारा करना क्या, अरे यार दोबारा करना है, ये कितने ढूंढने ही है। ओके, इस बार ले आ रहा है ये हमें, ओके इस बार लेफ्ट ले आ रहा है, ठीक है। तो फिलहाल जहाँ 3 एलियन खुले हैं, अपना हीट ब्लास्ट तो हमें मिल गया था शुरू में, फिर हो रहा हूँ मिला, ब्रैज मिला, फिर छूट गया, क्या हो जाता है यार, लगातार सुनता रहना उसको, ठीक है। अब देखते हैं हम कौन सा एलियन मिलता है। इसके अंदर एक्सेलरेटेड भी है, और जैसे स्ट्रिंग फ्लाई पता नहीं है नहीं, इसके अंदर रॉक शॉक है, शॉक रॉक ऐसी कुछ एलियन वो भी है इसके अंदर, और बस फिलहाल तो इतना ही है मेरे हिसाब से। मैं तो दो ही ध्यान आ रहा है इस समय, बाकी तो हाँ डायमंड हेड भी है इसके अंदर, ध्यान आ गया। डायमंड हेड शायद उड़ सकता है, उड़ नहीं सकता, वो क्रिस्टल बना के ऊपर पहाड़ों पर चढ़ सकता है, शायद ऐसा काम कर सकता है, उसको देखा रहा है कि गेम में ऐसा करता है। तो बस फिलहाल तो यही है इसके अंदर, बाकी तो पता नहीं। होने वैसे सारे चाहिए थे क्लासिक के, जैसे बेन 10 में 10 एलियंस थे एटलीस्ट, ग्रे मैटर भी था और स्टिंग फ्लाई था। ओके, यहाँ पर क्रिस्टल होगा ना ऊपर, वो तोड़ते हैं, देखो गार्ड खड़े हैं, ये तोड़ देता हूँ यार क्रिस्टल, जब भी आऊँगा ना यहाँ पर दुखी करेंगे मुझे, तोड़ देते हैं इसको, रुको निकल यहाँ से, अरे निकल ना राम आवाज, निकल, मरता नहीं है यार, कांगे नहीं चूस गया, अरे निकल चल हट। और मैं फिर आपको रिमाइंडर ला रहा हूँ, कल वाइल्ड वीडियो में मैंने पैसे तो पूरा डिटेल में बताया था कि अगर आप एक्सबॉक्स गेम पास का वो जब मेंबरशिप परचेस करते हो तो मेंबरशिप कैंसिल भी कर देना, ताकि अगर आप चाहते हो उसे कंटिन्यू रखना, आप चाहते हो तो और आगे तक कंटिन्यू रहे, 500 रुपये के अकाउंट से ऑटोमेटिकली कट जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको रखे रहो। पर आप नहीं चाहते ऐसा कि आप मतलब 500 रुपये कटवाओ अपने अकाउंट से और आप मेंबरशिप कैंसिल आगे तक रखो कंटिन्यू रखना, तो उसे पहले कैंसिल कर देना। वीडियो में मैंने अच्छे से दिखाया था ये चीज़ कैसे करना है। बाकी आप अगर और डिटेल जाननी तो मुझे इंस्टाग्राम मैसेज कर सकते हो, मैं वहाँ जाकर बता दूंगा आपको, वैसे होगा नहीं ऐसे तो सिंपल ही है, ठीक है। फिर भी आपको बता रहा हूँ ये चीज़, फिर भी बार बार रिमाइंडर दे रहा हूँ क्योंकि पैसों का सवाल है इसमें, क्योंकि काफ़ी लोग मेरी ऑडियंस जो है थोड़ी सी छोटी भी है, मतलब ज़्यादा मेच्योर ऑडियंस नहीं है मेरे पास, तो है मतलब मैं ये आपको ये नहीं कह रहा कि बच्चे हैं बिल्कुल, आप लोग छोटे छोटे दूध पीते हैं ऐसा नहीं कह रहा आपको मैं, पर ज़्यादा मैंने देखी है ज़्यादातर ऑडियंस मतलब 80% ऑडियंस थोड़े से बच्चे ही हैं, जो मतलब 12, 13, 14, 15 साल के हैं। मैं जानता हूँ आजकल बच्चे चला के काफ़ी हद तक समझदार भी हैं, मैं पागल नहीं बता रहा हूँ लोगों को, अरे कहना क्या चाहते हो, पर फिर भी एक बार रिमाइंडर देना पड़ता है। देखो बाद में कोई मुझे इस बात का ब्लेम नहीं करना चाहिए कि भाई आपने कहा था, आपने सब बताया नहीं, मेरे पैसे कट गए वैसे वैसे, और पहले बता रहा हूँ घर में पूछ के करना जो करना, कहीं बाद में घर में भी ना पूछो, घर में बाद में तुम्हारे ऊपर बड़े तरीके से कुटाई हो, ये मैं बेकार में मुझसे बात कुछ मत करना, ठीक है। पैसों का सवाल है क्योंकि वैसे सब कुछ सेफ है, ठीक है, पर फिर भी घर वाले से पूछ के करना जो करना ज़्यादा अच्छा है यार। ये मैं नीचे गिरने का बहुत दिक्कत है इसमें, नीचे बहुत जल्दी गिरता हूँ मैं इसमें, वो तो इसमें खेल रहा हूँ और ऊपर से वाईफाई है तो समझ लो तो स्मूथ चल रहा है, वरना पहले जैसे हिसाब होता था मेरा, जैसे पहले गेम चलता था मेरे डिले होकर घंटों घंटों में जंप कर रहा है, डिले हो रहा है, लैग कर रहा है, भाई पहले तो हालत खराब होती थी गेम्स। अरे फिर गिर गया यार, यार बड़ा नाटक है यार मेरे साथ।
चल जल्दी चल। अरे चल ले। अरे यार इसकी जंप ऊंची नहीं है, रैत बहुत ऊंची ऊंची जंप कर सकता था यार। रैत ज्यादा ऊंची जंप नहीं कर रहा। पहली बात तो बेन 10 क्लासिक के पास रैत था नहीं, जो बात है। इसके पास रैत भी है, विवेक तो देंगे नहीं, मुझे पता है इस गेम में विवेक नहीं देंगे। विवेक अगर दे दिया भाई इस गेम में मजा आ जाएगा यार। मैंने एक बंदे का कुछ महीनों पहले, शायद पिछले साल, एक डेमो वर्जन देखा था किसी एक गेम का, बेन 10 का। वो डेवलप कर रहा था बेन 10 का, इतना अच्छा गेम डेवलप कर रहा था वो। उसने विवेक इतना अच्छी क्वालिटी में डेवलप किया था, मुझे नाम भी चैनल का ध्यान नहीं है और बस वीडियो में मुझे ध्यान नहीं कि टाइटल क्या था। वो डेवलपमेंट में था गेम और बहुत अच्छा बना रखा था उसने गेम सीरियसली। और आप उसका गेम प्ले देख देखते रहे उस गेम का, तो भाई इतना बेस्ट गेम प्ले था, मुझे बहुत पसंद आया। पूरा सब कुछ इतना बढ़िया था उसके अंदर। एलियन एक्स तक डाल रखा था बंदे ने, एलियन एक्स भी इतना अच्छा काम कर रहा था उसका। बहुत तो शायद वीडियो देखी भी होगी उसकी, शायद आप तो शायद पता नहीं चैनल का नाम, बहुत पहले साल लगी थी वीडियो बैंक जब गेम आया। शायद ये गेम उस समय बहुत फेमस था, बैंक पावर ट्रिप, ठीक है। वही गेम बहुत अच्छा था वो, पता नहीं वो डेवलप करा नहीं करा उस बंदे ने पूरा। उसने एक छोटा गेम का गेम भी बनाया था, चैनल आपका ध्यान आपको आ रहा हो किसी को तो कमेंट में जरूर बताना, ठीक है। वो गेम बहुत अच्छा डेवलपमेंट कर रहा था बंदा यार, मैं नाम बोल गया उसका, काफ़ी टाइम पहले देखा था यार, ध्यान भी नहीं है इसलिए। ओके नीचे रैत को ऑप्शन भी दे रहा है, रैत तो क्या करेगा रैत यहाँ पर। अरे यार ये तो मैं ऐसे कूद जाता फालतू में, हट। ऐसे ही कूद सकता है ये, इतनी जंप करने की दिक्कत नहीं है उसको, डैमेज तो पड़ता नहीं ऊपर से उसको। ओके दो तो शायद कलेक्ट हो गए ना, अब तीसरा भी रह गया शायद, ये क्या रह गया होगा देखते हैं फिलहाल कितने करना है। अभी तीन करने हैं ना, तीन करने हैं फिर शायद कंप्लीट होगा। मैंने पिछले पार्ट में ये नहीं करा था, बस यही रह गया था, इस वजह से मिशन में दोबारा खेलना पड़ गया ये वाला स्टार्टिंग से, और यही दिक्कत हो गई। वरना तो मैं अब मैं बस यही दिक्कत है भाई। अरे यार छोड़ क्यों देता है तू स्विंग का, वापस सूंघना है, छोड़े मत, सूंघता रहे लगातार। अरे वो तो रैत ऐसा भागता नहीं है, जो बात है रैत भागता है इससे नॉर्मली जानवर भागते हैं, चीता वगैरह भागते हैं चार पैरों, मतलब चारों पैरों पर, मतलब चारों जो हाथ या पैर जो भी होते हैं इनके उन पे, ऐसे नहीं भागता दो तरीके से। आपने अगर देखे हो एक बेन 10 अल्टीमेट एलियन की सीरीज़ में जब अल्वेडो रैत बना था, उसमें देखना रैत कैसे भाग रहा था। रैत ओरिजिनल वे रैत का भागने वो ऐसे नहीं भागता, ऐसे रैत भाग इसमें भाग रहा है गेम। इन्होंने इस पर नोटिस नहीं किया था, मैंने नोटिस किया भाई, फ़ैन है हम बेन 10 के, हमें सब कुछ पता है इसके बारे में। कहाँ गया तू, नीचे बहुत जल्दी करते हैं इसके बंदे, निकल चल। अरे हट जा बस। वैसे इन कॉइंस का हुआ क्या यार, मैं तो यार ये पावर जब भी यूज़ करता हूँ वेस्ट हो जाती है, आरडी वाली करता कहीं को बंदा रिमूव हो जाता है, वेस्ट हो जाती है, बस यही नाटक है। चल जम कर यार जल्दी जल्दी, टाइम पास मत कर, मैं रैत के चक्कर में नहीं जा रहा। रैत बहुत धीरे चल रहा है इसमें, रैत और फोराम दोनों धीरे चल रहे हैं इसके अंदर। और मैं गारंटी दे रहा हूँ उस गेम में अगर स्ट्रिंग फ्लाई है ना, शायद है इसके अंदर स्ट्रिंग फ्लाई, वो भी भाई उड़ती नहीं होगी, जंप भी करती होगी, मुझे पक्का पता है। और एक्सेलरेट भी हल्के हल्के, बस मुझे पता है एक्सेलरेट के सिंपल कर दिया होगा उन्होंने, बस वो स्पेशल पावर दे दी होगी उसको, स्पेशल पावर अगर वो स्पेशल पावर यूज़ करोगे थोड़ी देर के लिए देते हैं भागेगा वो हल्का सा, बस फिर वो स्लो चलेगा। यही दिक्कत है इन गेम्स में। एक बेन 10 प्रोडक्ट ऑफ द अर्थ गेम था, उसमें भी सेम मैसेजिंग कर रखा था, स्पेशल पावर डाल रखी थी उसकी, जब भी वो धीरे भागता था एक्सेलरेट हमारा, वरना वो धीरे ही भागता था। इतना भूसता आता था मुझे उस गेम में यार, पता है एक्सेलरेट कितना तेज़ भागता है भाई, वो स्पीड कितनी है उसकी, और उसमें वो पावर स्पेशल पावर यूज़ करने के बाद तेज़ भागता था, तो फ़ायदा क्या हुआ उसकी पावर का। ओके अब ये मिशन कम्प्लीट हो गया, अब मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ऑटो सेव भी हो रहा है ऊपर लगातार। हाँ अब मिशन कम्प्लीट हुआ है पूरी तरीके से, अब कोई दिक्कत नहीं है। वही जब ये अपग्रेड आता है ना, समझ लो मिशन कम्प्लीट हो चुका है पूरा, अब गेम ऑटो सेव हो रहा है, तो अब मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं छोड़ भी दूंगा गेम को तो यहीं से वापस यहीं से मिलेगा, अब दिक्कत नहीं है। ओके न्यू मिशन अवेलेबल नहीं भाई, मिशन में नहीं जा रहा है। ओके इनका फ़ोन आ रहा है, फ़ोन उठा भाई। अरे तो फंस गया इसके बंदों के बीच में। कमाल है यार, आदमी से बड़ा तो बैन का मुँह है इसका। अ माउथ विद नो टंग मिशन दे रहा है, न्यू मिशन है जो कि शायद अजीब टापू ही पे है। चलो इसी मिशन पे जाना है ना, हाँ इसी पे जाना है। वैसे ये मिशन साइड मिशन है, ये एक्टिविटीज़ हैं तो उनको करने का फ़ायदा नहीं है, चलो इस पे चलते हैं यार। जो मिशन ये लगातार दे रहे हैं वो लगातार करते हैं, ज़्यादा सही रहेगा। अपनी मर्जी से करूँगा तो पिछली बार की तरह गलती हो जाएगी, जो मैं करना नहीं चाह रहा। मेरी स्टोरेज समय सही चल रही है, अरे क्या कर रहा है बहन, मेरी स्टोरी देखो इस समय बिल्कुल सही चल रही है इस गेम, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से बिल्कुल परफेक्ट एलियन खुल रहे हैं मेरे सारे, सब कुछ सही चल रहा है, तो मैं ज़्यादा उंगली नहीं कर रहा इसके अंदर, जो चल रहा है वो चलने दो।
उधर पानी है तो पानी पे तो जा नहीं सकते हम, जाना पड़ेगा ऐसे ही लंबा घूम के। चलो चलते हैं, फिलहाल तेजी से ज़्यादा दूर नहीं है, पास में ही है, तो रिकॉर्डिंग मतलब पॉज करने को फ़ायदा नहीं है। वीडियो पहुँच गए लगभग, ओके ब्रिज आ गया, ठीक है ब्रिज से निकलते हैं। देखा ब्रिज है यहाँ पर, इसलिए तो मैं नहीं गया, जा सकता था ब्रिज शायद हीट ब्लास्ट वगैरह। अरे क्या पीछे क्यों जा रहा है वापस? तो यार चल यार, बेकार मुझे डर लगता है इससे, वैन से कभी पानी हमें गिर जाए। क्या है वहाँ पर? वो बंदे शायद, नहीं बंदे नहीं है, बोर्ड है यहाँ पर। ओके यहाँ कोई क्या है भाई? अच्छा लेडी खड़ी है कोई। हाँ भाई बताओ। एक्सपेक्टिंग यू, ओके। तो ये मेनली बैन शुरू से इस गेम में उसको ढूंढ रहा है, क्या नाम था उसका, मैं नाम भी भूल गया था उसका, वीडियो बनाने के टाइम पे नाम भूल गया उसका, नाम हैक्स। ये मेनली शुरू से हैक्स को ढूंढ रहा है क्योंकि हैक्स उस गेम की स्टार्टिंग में आया था, जहाँ तक फाइनल बैटल में हैक्स ही है इसके। देख लो मुझे पक्का पता है इसके फाइनल बैटल में हैक्स आएगा और काम मतलब उसकी बॉस फाइट होगी और बस काम खत्म, उससे पहले वो आएगा नहीं। कैसा खड़ी यार ये भागल सी, बताओ कि नया मिशन दे दिया इन्होंने, क्या है? हेड टू द पाथ टॉर्चेस, क्या पता नहीं क्या है यार, तो अजीब सा लिखा रहता है। और कैसे भाग रहा है तू ये पहन गया था? क्योंकि वहाँ क्रिस्टल है, क्रिस्टल के पास नहीं जाएंगे वरना बंदे हमारे पीछे पड़ जाएंगे बिना बात के, हम चक्कर में पड़ नहीं रहे, टाइम पास होता है बंदों के पास जाके। यार देखो इसमें जो ट्रिकी बंदे हैं ना, वो मोटा वाला बंदा है जो उसको पीछे से मारना पड़ता है, वरना बाकी इसमें कोई ऐसे ट्रिकी बंदे नहीं हो कि टॉर्चेस दिख रही हैं इनके पीछे, इनको इनको फॉलो करना है मुझे। ठीक है भाई फॉलो कर लेंगे, रहता ही है। ठीक है चलो टॉर्चेस को फॉलो करना है और बस। अरे कूद ऐसी यार, फालतू में नाटक। ठीक है या बंदे हो सकते हैं, यार मुझे लगा था बंदे हो सकते हैं, ये बनाते हैं इस तरीके से कि बंदे होंगे वहाँ पर। वो भाई ये मोटे वाले बंदे चेंज हो गए, ये क्रिप्टोनाइट लग रहा है, वो क्रिप्टोनाइट, सॉरी क्रिप्टोनाइट नहीं है ये, कि तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा था डायमंड हेड से बने हुए हो? डायमंड हेड भी इस तरीके के होते हैं ना, क्रिस्टल टाइप डायमंड टाइप क्रिस्टल है। तो एक इनका नाम भूल गया, स्पीशीज का नाम क्या था, पर इतना ध्यान नहीं है, इतना भी बस इतना बड़ा वाला भी फैन नहीं हूँ बैंडन का, मतलब यार इतना कौन बैन, इतना बैन ध्यान नहीं रखता था कि स्पीशीज का नाम क्या है, बस वो डायमंड हेड का नाम ध्यान रखता था, डायमंड हेड कहते हैं इनको उसको भी ध्यान नहीं रहता था। तो मुझे क्या रहेगा, तो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है मेरा डायमंड हेड खुलने वाला है, मुझे लग रहा है भाई डायमंड हेड खुलने वाला है मेरा। ओए यार तुझा पास में कहा जाते, अबे क्या कर रहा है तू, आरटी मानना उनको। लो भाई मर गए, सिंपल। ओके ये रहा एक बंदा जो मैं निकल गया सब। अच्छा ये क्रिस्टल थी जब भी, तो ये बंदे यहाँ पर आए मुझे लग ही रहा था क्रिस्टल वगैरह यहाँ पर। चलो क्रिस्टल को तोड़ते हैं फिर आगे चलते हैं, पहले क्रिस्टल को तोड़ के जाऊँगा यार, मैं क्रिस्टल को तोड़ के जाऊँगा, रुक जाओ। अरे कोई दिक्कत ना है, रैथ है हमारे पास। चलो मुझे अब लग रहा है डायमंड खुलने वाला है मेरा, सही बताऊँ तो खुल जाए तो बढ़िया है, अपने एक पुराना एलियन मिल जाएगा, अच्छा लगता है वो एलियन मुझे भाई। एलियन के उसके मूव्स अच्छे हैं जो बात है डायमंड के, गेम में मुझे पता नहीं कैसे हैं पर उसके मूव्स मैंने देखे हैं कार्टून में, बहुत मस्त मूव्स हैं उसके। कहाँ जाना है अब, केस पे चढ़ के देखते हैं। अरे यार चढ़ गया था, मैंने चिख लिया गलती से, मैं भी बहुत जल्दी करता हूँ यार, मैं बहुत मुझे सबर नहीं है। ठीक है रैत बन चल भाई, मच्छरों को चैन नहीं होता, दिन में मच्छर काट रहे हैं यहाँ पर मेरे, यहाँ बैठा है यहाँ बिल्कुल यहाँ मेरे अभी, और यहाँ बैठ के काट रहा है, मतलब मच्छर को कैसे, उसे पता है ये वीडियो बना रहा है तो बहाना टाइम अच्छा है, ये कुछ कर नहीं पाएगा, जल्दी से खून खून पी लो। मेरा भी हिसाब बढ़िया, कभी चूहियाँ परेशान करती हैं मेरे कमरे में घुस घुस के, कभी मक्खियाँ, कभी मच्छर, कभी बाइक वाले, कभी कुछ कभी कुछ। अभी ऊपर बैठ गया जाके, देखो बालों में मेरे, हट जा यार दुखी मत कर। क्योंकि वहाँ टॉर्च है पर नीचे डायरेक्ट जाना सही नहीं होगा मेरे हिसाब से, नीचे काफ़ी नीचे है, तो इस तरह चलते हैं पहले। ठीक है कि अच्छा यहाँ रात का काम है, समझ गया। चल भाई रात अपना काम कर, नीचे क्या है?
वो नीचे कुछ है, रुको नीचे कुछ है, नीचे चलते हैं, पहले नीचे चलते हैं। ये क्या हुआ, वो ये आवाज कैसे आ रही है कीड़े की? नीचे कुछ नहीं है ना, कुछ मॉन्स्टर है ना कुछ है, नीचे जा नहीं सकता शायद मैं, पता नहीं क्यों नहीं। तो जाने का ऑप्शन क्यों दिया नीचे तुमने, रास्ता क्यों ना रखा है जाने का, नहीं जा सकता ये। अरे यार रैत ही चाहिए इसको, रैत ही चाहिए, रैत ही रैत, अब रैत ही सारा काम रैत का ही है इसमें। अब हीट ब्लास्ट और फोर आर्म तो बेकार हो गया इसमें अब। ओके ओके ऊपर चल के देखते हैं ऊपर क्या है, ऊपर से बना रास्ता तो ना ना ना, ना नहीं मेरे हिसाब से ऊपर से नहीं है वापस। चलो टॉर्च नीचे है, ऊपर टॉर्च नहीं है, यहीं से रास्ता है। चलो बेकार में ऊपर जाने का फ़ायदा नहीं है ना जब ऊपर से रास्ता नहीं है तो। चलो भाई पकड़ इसको और झूल जल्दी 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 जल्दी। ठीक है इससे अच्छा तो तू हेड ब्लास्ट बनता और उड़ के चला जाता दूर, अगर ये उड़ने की कैपेसिटी उसको पावर देता तो सबसे बढ़िया है। बंदे होंगे यहाँ तक मुझे लग रहा है, नहीं है? अच्छा ओ भाई कितना नीचे आना है मुझे, ये क्या क्या चीज़ें पड़ी हैं, कुछ कपड़े पड़े हैं थोड़े बहुत। चलो भाई चलते हैं नीचे यार। अरे चल यार तू हेड ब्लास्ट, मुझे हेड ब्लास्ट बढ़िया लगता है, तेज चलता है कम ना, पतला सा है, ज़्यादा भारी नहीं है, कंट्रोल करने में आसानी होती है इसको। ठीक है भाई कहाँ पहुँच गए हम पता नहीं, फॉलो तो अभी तक वही आ रहा है, फॉलो करना वो बंदे उसका एटैक अच्छा है जो ये पूरा गिर जाता है ऊपर डैमेज है। जैसे ये आए क्यों यहाँ पर पता नहीं चलेगा मुझे। अरे यार हाँ भाई क्या है, चल खत्म तेरे। ओके वहाँ कॉइन है, रुको पहले कॉइन का लेकर आता हूँ मैं, बाद में जाऊँगा। दोबारा आना होगा नहीं यहाँ पे यहाँ तक मेरा, मुझे लगता नहीं दोबारा आना होगा, तो पहले कॉइन का लेकर लेते हैं फिर चलते हैं वापस। चल 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 हो गया कॉइन का लेकर, चलो वापस कहाँ जाना है, सामने टॉर्चेज हैं वहीं चलना है। चलो हीट ब्लास्ट बनते हैं चलते हैं यार, ये हीट ब्लास्ट बन नहीं दे रहे मुझे आज बिल्कुल भी। ठीक है भाई मैं कर क्या रहा हूँ मुझे ये नहीं होता, मैं तो फॉलो कर रहा हूँ टॉर्च को, कुछ पता नहीं है इनका क्या कर रहा हूँ मैं। लो अब फिर से ऊपर चढ़ना है, पता नहीं क्या सीन है यार, क्या है ये, ऊपर जाना है मुझे पता नहीं, गुफा है ऊपर। चलो चल भाई आ रहा हूँ। जंप ऐसे नहीं होगा ना, ऊपर जाना पड़ेगा थोड़ा सा। चल भाई यार पूरा टाइम खराब कराएंगे मेरे को, देखा हीट ब्लास्ट की जरूरत पड़ गई, मुझे पता था हीट ब्लास्ट की जरूरत पड़ेगी, खाली रैत अच्छा काम इतना बढ़िया काम उसका। चलो भाई रैत बनते हैं वैसे यार, रैत यार रैत का ज़्यादा यूज़ हो रहा है इसमें, हीट ब्लास्ट की हीट ब्लास्ट तो बहुत कम यूज़ कर रहा हूँ मैं। चल 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 ठीक है, अरे चुप रह ले यार फालतू में, उसका आइकन देते रहता हूँ, जाना है मुझे हीट ब्लास्ट बन के, कहाँ जाना है मुझे, उस तरफ टॉर्च उस तरफ चलते हैं यार, टॉर्च तो उस तरफ ही है ना। चल अब जाना है ऊपर, गिनना नहीं है बिल्कुल भी, बिल्कुल नहीं गिनना। चलो बहन कैसे बन गया अपने आप, पता नहीं भाई क्या सीन है इसके, फिर हीट ब्लास्ट बन गया अपने आप बन रहा है यार ये यार, अच्छी कहाँ सी हरियाली में आया था, फिर बर्फीले इलाका में आ गया एकदम से बंदर से, पता नहीं क्या सीन चल रहे हैं यहाँ के, क्या है यहाँ पर। चल भाई पता नहीं यार मैं क्या कर रहा हूँ यार, घूमता फिर रहा हूँ बस पागल की तरह। फिर बंदे आ गए, फिर मोटा बंदा आ गया, उससे भिड़ता ले ले निकल, टाइम खराब कर रहा है फालतू में। तुम कैसे रह गया, तू कैसे रह गया, हाँ तू कैसे रह गया, निकल। चल भाई ऊपर चलते हैं, अब देखते हैं क्या है ऊपर। ओ भाई क्या सीन है यहाँ के, क्या चल रहा है इस गेम में,
see me coming. क्या भाई एलियन वेलियन है क्या एक्सलेटेड मेरा ब्लू ब्लू. अरे यार मुझे लगा मैं खुश हो जाता हूँ अगर मैं एलियन मिल रहा है. चलो ब्लू ब्लू था ना मैंने ब्लू ब्लू दिखा शायद एलियन मैं खुश हो गया. पर मेरी खुशी को इन्होंने चकना चूर कर दिया 2 मिनट में. Coming in hot. ओके रात बनते हैं. चल भाई ओके एक और करना है अभी भांग जाओ पूरा. अरे यार पूरा ही टाइम खराब करा हो गया. रात बन चल जम कर यहीं से पकड़ ले वापस सीट लास्ट पर मैं चला. चल हो गया गेट खुल गया. चल भाई अब जल्दी चल. लिमिट तो ऐसा नहीं होगी टाइम लिमिट इसमें कुछ भी मेरे हिसाब से लिमिट तो नहीं होनी चाहिए. फिर भी कोई पता नहीं रहेगा जल्दी चलते हैं हम टाइम पास नहीं करेंगे बिल्कुल भी. चल चल जल्दी चल यार. कॉइन मिल गया फिर भी पापे से बैन मिल गया अपने आप बन रहा है ये बैन बनी उसको. मैजिक बुक बुक रॉक पता नहीं क्या है वो. मुझे लगा पत्थर गिर गया मेरे ऊपर. मिशन कंप्लीट. अरे ये क्या मिशन था भाई कुछ भी नहीं था मिशन में यार. तो क्या मिशन था बताओ उसमें क्या था. मैं सिर्फ फॉलो कर रहा था चीज़ों लाइट और टॉर्चेस को. वापस वहीं से वहीं आ गया ऐसे मैंने स्टार्ट किया था घूम फिर के. यार देख रहे हो तुम लोग मैंने यहीं आ गया ऐसे स्टार्ट किया था मैंने. मतलब इतनी देर से मैं पागल होता रहा उधर घूम रहा कोई मतलब मकसद नहीं था उस चीज़ का. मैंने पागल बना रखा है मुझे इतनी देर से पागल होता रहा भाई घूम रहा हूँ उसकी भाई घूमने जबरदस्ती. ले भाई पहुँच गया आगे तेरे पास. दोबारा नहीं करने वाला है सब पागलपन इसमें ये टॉर्च वॉर्च का पीछा. ओके तो फ्लाइट का इंतजाम करते हैं. मैं करता हूँ वीडियो पसंद है तो लाइक करना. मैं जानता हूँ पार्ट थोड़ा छोटा है यार थोड़ी गर्मी लग रही है मतलब यार उन्होंने टाइम पास करा दी इसलिए लिखा था. बाकी मिलते हैं नए वीडियो में. मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करना चैनल सब्सक्राइब करना और वीडियो आती रहेंगी बड़े बढ़िया. और कल को एक बड़े वीडियो आने वाली है उसका भी इंतजार करना. बस मिलते हैं नए वीडियो में. बाय टेक केयर लगे रहो. बाय टेक केयर.